मेरे प्यारे दोस्तों, प्राजाग्रो पर्सनल काउंसलिंग से मैं प्राजाग्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं काउंसलिंग के बारे में या हमारे कुछ केस स्टडी के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास जब लोग आते हैं तो आने से पहले बहुत विचार करते हैं, कैसा होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं आऊँगा तो मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ऐसा सोचते रहते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाया है लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ है, तो एक काउंसलिंग से क्या हो सकता है। लेकिन ये आपकी गलत धारणा है, क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के वाणी में और उनके नियमों में कुछ सत्यता है और उसी नियमों के आधार पर हमारी काउंसलिंग होती है। यहाँ पर जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो हम लोग उनसे कहते हैं कि ये पूरी तरीके से काउंसलिंग तथागत भगवान गौतम बुद्ध की चार आर्य सत्य पर आधारित होगी। जैसे पहला आर्य सत्य, दुख है। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य, उसका निवारण है। और एक ऐसी अवस्था जहाँ ना तो दुख है और ना तो सुख है। और मैं पहले ही समझा के बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप एक ही काउंसलिंग में रिजल्ट चाहते हो तो अपनी पास्ट हिस्ट्री को शेयर कीजिए। और हम लोग जब उनसे पास्ट हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं तो जानते जानते ही पता चलता है कि एक्चुअली उनका प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस से कुछ ऐसा होता है कि शायद वो उनको प्रॉब्लम ही नहीं होता, उनको प्रॉब्लम कुछ अलग होता है और उसी प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए उनके पास्ट हिस्ट्री की जरूरत होती है। ऐसे ही एक केस अभी अभी कल परसों की बात है मेरे पास आया। 3 साल से वो बच्ची अकेली अपनी माँ और अपनी आत्या के साथ रहती है, लेकिन वो जब पास्ट हिस्ट्री बताती है तो बोलती है कि सर, मुझे बहुत डर लगता है, इतना डर लगता है कि मेरी छाती में जलन होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, मैं सो नहीं पाती हूँ। सर, मुझे इतना डर लगता है कि मैं अगर डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर ने कुछ बताया कि आपको ये है वो है, तो मैं आकर निरंतरता से रोते रहती हूँ। जिस घर में मैं रहती हूँ तो उस घर में जीवन जीने की इच्छा नहीं होती। और सर, मैं आपके लेख बहुत बार पढ़ चुकी हूँ और बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके पास आऊँगी। सर, मैं भगवान को नवज भी बहुत करती हूँ और शायद भगवान मेरे साथ थोड़ा होगा ही, और इसीलिए आज आप मुझे मिले। मुझे एक तो लगता है कि आप पूरी तरीके से मुझे ठीक कर दोगे, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक होंगी या नहीं हो पाऊंगी। सर, मुझे हमेशा मरने की चिंता सताती है। सर, मैं इतनी डरती हूँ और सोचते रहती हूँ कि मेरे बाद या मेरे माँ और आत्या के बाद मेरा कैसा होगा, और यही सोच सोच के मैं जीवन जीना ही छोड़ती हूँ। सर, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। पिछले 1 साल से खुशी क्या होती है इसको मैंने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। मैं उस लड़की से कहता हूँ, आप केवल अपनी पास्ट हिस्ट्री शेयर कीजिए, आपका प्रॉब्लम क्या है मैं देखता हूँ। और उस लड़की का जब मैं प्रॉब्लम टटोलने की कोशिश करता हूँ तो उसके जीवन में उनके पिताजी जा चुके हैं, उसका आधार छीन चुका है। और जब किसी का आधार छीना जाता है और वो किसी के ऊपर डिपेंड होती है तो अपनी सुरक्षितता महसूस नहीं कर पाती। मैंने उस बच्ची को कुछ मेडिटेशन दिए, कुछ थॉट प्रोसेस दिए और बोला कि शायद आप अगर अपनी पास्ट हिस्ट्री प्रॉपर वे शेयर कर दिए तो लोगों को यहीं पर एक ही काउंसलिंग में रिजल्ट मिला, आपको भी मिलेगा। सर, मैंने आपकी काफ़ी स्टोरी पढ़ी है और वो पढ़ने के वजह से ही आज मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी।
लेकिन जब मैं उस लड़की को पहला मेडिटेशन दिया तो वो कुछ हद तक थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। उसके बाद में उसकी पास्ट हिस्ट्री जानी, फिर दूसरा मेडिटेशन दिया, शायद वो रोने लगी। और रोने के बाद वापस आती है, बोलती है कि सर मुझे फिर भी उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा। फिर मैंने उसे कुछ सजेशन दिए और बोला कि देखिए, मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की है और मुझे पता है कि आप ठीक होने वाले हो, मुझे पता है कि आपको कुछ हुआ भी नहीं है और आप ठीक हो सकते हो। तो अब ये जो मैं मेडिटेशन दे रहा हूँ तो इसको 3 बार करना और 3 बार करने के बाद ही मुझे बताना। लेकिन उस लड़की का शाम को फोन आता है और कहती है, सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही शायद आप भी सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ तो फिर एक मेडिटेशन क्या तब्दीली ला सकता है। लेकिन मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर काम करती है, लेकिन मेडिटेशन ये हमारे माइंड के ऊपर काम करता है। और बहुत सारे रोग हमारे मन ने माने हुए रोग होते हैं, जिसको हम लोग साइकोफोबिया कहते हैं, और इस रोग से बाहर निकलना आसान नहीं होता। अगर मन में डर बैठ गया तो लाइफ टाइम, जिंदगी भर कभी इंसान ठीक नहीं हो सकता है। अगर उसको उसमें से निकालने का कोई तरीका है तो वो हो सकता है मेडिटेशन, मेडिटेशन और मेडिटेशन। तो आप भी सोच रहे होंगे, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अगर आपने 50,000 रुपये के ऊपर या लाखों रुपए उस पेशेंट के ऊपर खर्चा किए होंगे और आज भी कर रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक काउंसलिंग करवाना कोई गलत नहीं हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो कई पैसे आपके जाते रहेंगे, लेकिन एक काउंसलिंग से अगर आपको रिजल्ट मिल सकता है तो उसको अवश्य कीजिए। और इंतज़ार मत कीजिए कि मैं बाद में करवाऊंगा, क्योंकि एक विचार, एक डिसीज़न आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और मेरा विश्वास है, मेरा त्रिरत्न में विश्वास है कि त्रिरत्न के आधार पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध की वाणी में वो सत्यता है, और उसी के आधार पर आपके रोग भी दूर हो सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। और हम लोग इस काउंसिलिंग में केवल रूट कॉज के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि दुख का कारण वो रूट कॉज है, और रूट कॉज को अगर निकाल दिया जाए तो वो दुख खत्म हो सकता है, उसका निवारण हो सकता है। सो थैंक यू, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी को इस चीज़ को शेयर करते हैं और उसको बेनिफिट मिलते हैं तो हमारे लाइफ में कई गुना वो बेनिफिट वापस आते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर का ही वर्क होता है। सो थैंक यू, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।